अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, आज ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जितने भी टाइप्स आते हैं वो सारे टाइप्स पढ़ाने वाला हूँ। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जितने भी इसके टाइप्स होते हैं वो सब इसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा। देखिए इसकी पहचान मैं फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अगर उन वीडियोस को आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को पढ़ना शुरू करिए ताकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरतीब से जानकारी अच्छी तरीके से मिल सके। देखिए इसकी पहचान फिर से बता रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है कि पहचान इसकी होती है कि हिंदी वाक्य जो लिखे हुए नज़र आएंगे तो हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं। ये बस ये पहचान ही होती है, और पहचान लीजिए कि बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब आइए इसके अंतर्गत देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग करते हैं, आई सब्जेक्ट के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। ये सब्जेक्ट अगर हमारा आई होगा तो एम का प्रयोग किया जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ किया जाता है। देखिए नंबर एक पर देखिए ज़रा कि मोहन अपने घर जा रहा है, लास्ट में रहा है, आया है। ठीक है, इससे पता चल गया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट रखा गया, उसके बाद में इज, ये सब्जेक्ट के बाद इज का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि सब्जेक्ट ये हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इज का प्रयोग किया गया है। तो मोहन इज़ गोइंग टू हिज हाउस, मोहन अपने घर जा रहा है। मोहन नंबर दो पर देखिए ज़रा कि मोहन अपने घर नहीं जा रहा है। देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है, हिंदी वाक्य में जो नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है तो जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब रखेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर उसके बाद में अदर वर्ड रख देंगे। देखिए मोहन अपने घर नहीं जा रहा है, मोहन इज नॉट गोइंग टू हिज हाउस। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए क्या मोहन अपने घर जा रहा है। देखिए इज मोहन गोइंग टू हिज हाउस, देखिए ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मोहन अपने घर जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसकी इंग्लिश तो नहीं बनाएंगे लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, इज एम आर से। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है तो इसके सब्जेक्ट के पहले इज का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल नंबर का होगा तो सब्जेक्ट के पहले आर का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट अगर हमारा आई होगा तो इसके पहले एम का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में अदर वर्ड का प्रयोग कर देंगे। और हाँ, एक चीज़ और देखिए फ्रेंड्स, अगर इस वाक्य में यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है तो इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। देखिए इसको देख लेते हैं, क्या मोहन अपने घर जा रहा है तो इज मोहन गोइंग टू हिज हाउस। नंबर चार देखते हैं आगे, क्या मोहन अपने घर नहीं जा रहा है। ठीक है, इसमें आ गया है, देखिए सब्जेक्ट के पहले इज का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है, और सब्जेक्ट इसमें देखिए हिंदी वाक्य में नहीं शब्द का जिक्र किया गया है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद में अर्थात मोहन के बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया गया है, उसके बाद में अदर वर्ड का प्रयोग कर दिया गया है। क्या मोहन अपने घर नहीं जा रहा है, इज मोहन नॉट गोइंग टू हिज हाउस। देखिए आगे, मोहन अपने घर क्यों जा रहा है, व्हाई इज मोहन गोइंग टू हिज हाउस। देखिए अब ये हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। इस सेंटेंस में देखिए हिंदी के वाक में देखिए कि प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या है, व्हाई, ये क्यों जो लिखा है ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, और प्रश्नवाचक शब्द के सबसे पहले ट्रांसलेट किया जाता है। जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले देखिए व्हाई लिखेंगे, व्हाई के ट्रांसलेट देखिए क्यों का ट्रांसलेट जब करेंगे तो व्हाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज हमारा हो जाएगा, फिर मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, यानी मोहन अपने घर क्यों जा रहा है, व्हाई इज मोहन गोइंग टू हिज हाउस। नंबर छः देखते हैं फ्रेंड, मोहन अपने घर क्यों नहीं जा रहा है। देखिए ये जो वाक्य है ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट रखा जाएगा, प्लस देखिए नहीं शब्द का जिक्र किया गया इसलिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके अदर वर्ड रख दिए जाएंगे। मोहन अपने घर क्यों नहीं जा रहा है,
ठीक है, व्हाई इज मोहन नॉट गोइंग टू हिज हाउस। नंबर सात देखते हैं जरा, तुम इस समय अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो। देखिए इसमें ये भी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, नहीं सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, व्हाई का ट्रांसलेट क्यों, क्यों का ट्रांसलेट व्हाई करेंगे, तो व्हाई के बाद ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिंदी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट कर देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा यू है, ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके पहले आर का प्रयोग किया गया है। तुम इस समय अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू योर हाउस। देखिए जब सब्जेक्ट यू होता है तो उसके साथ अपना के लिए योर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर योर का प्रयोग किया गया है। नंबर आठ देखते हैं, तुम इस समय क्या कर रहे हो, यह भी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए क्या, ये व्हाट का सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा, नहीं व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, तुम इस समय क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। देखिए क्या के लिए इंग्लिश में व्हाट लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर व्हाट लिखा गया है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारा आर होता है, सब्जेक्ट यू है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, तो तुम इस समय क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। देखिए तुम यहाँ कब आ रहे हो, तुम यहाँ कब आ रहे हो, तो कब के लिए ये भी हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का ट्रांसलेट करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द हमारा है कब, तो कब के लिए इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे यू। देखिए यू हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, अर्थात बहुवचन करता है, इसलिए इसके पहले आर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, तुम यहाँ कब आ रहे हो, ठीक है, व्हेन आर यू कमिंग हियर। फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।